बड़ी और अहम खबर के साथ। तो हाई पावर परचेस कमेटी और हाई पावर वर्किंग परचेस कमेटी की बैठक से बड़ी सौगात मिली है। दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे से एलिवेटेड रोड बनेगी। डीएनडी फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास केएमपी लिंक तक एलिवेटेड रोड बनेगी। हरियाणा सरकार ने एलिवेटेड रोड के लिए जिम्मा सौंप दिया है। तो एलिवेटेड रोड पर लगभग 163 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। बैठक में लगभग 2352 करोड़ की सरकारी खरीद को मंजूरी मिली है। इसके अलावा नेगोशिएशन के बाद लगभग 74 करोड़ रुपए की बचत भी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, आज की इस बैठक को लेकर जानकारी आपसे चाहेंगे, क्या कुछ खास रहा है, क्या कुछ सौगात? तो आप बिल्कुल अच्छे देखिए, हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक जो है अभी जारी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक हो रही है और बैठक में अनेक ऐसे एजेंडे थे जिनको लेकर जो लंबी चर्चा है वो चल रही है। अब यूएलबी मिनिस्टर कमल गुप्ता के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल बातचीत कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो इस बैठक में कुछ एक फैसले जो है वो निकल करके सामने आए हैं। दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग से डीएनडी फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास के एमपी लिंक तक ये एलिवेटेड रोड जो है वो बनने जा रहा है। हरियाणा सरकार ने इसके लिए जो काम है वो आवंटित कर दिया है। लगभग 163 करोड़ रुपए की इसमें लागत आएगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये एसपीएससी की बैठक में ये बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। बैठक में लगभग 2352 करोड़ रुपए से अधिक के कॉन्ट्रैक्ट और वस्तुओं की खरीद को मंजूरी जो है वो मिली है। विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोशिएशन के बाद लगभग 74 करोड़ रुपए की बचत हुई है। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक की खुद अध्यक्षता करते हैं और तमाम जो बोलीदाता होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और नेगोशिएशन करते हैं ताकि सरकार का जो वो पैसा है वो बताया जाए। तो हर एक बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस प्रकार से नेगोशिएशन करते हैं। इस बैठक की अगर बात की जाए तो नेगोशिएशन के बाद 74 करोड़ रुपए की बचत जो है वो हरियाणा सरकार को होने जा रही है। जी चलिए ठीक है, अभी फिलहाल बैठक चल रही है, नजर बनाए रखेगा रवि, जानकारी आपसे आगे भी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक तरह से देखा जाए नेगोशिएशन के बाद लगभग 74 करोड़ रुपए सरकार बचा रही है और ये बैठक अभी भी फिलहाल चल रही है, लेकिन अब तक की जो सौगात मिली वो भी हम आपको बता रहे हैं। एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे से।